नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया N9 में। मैं हूं श्रृंखला। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। बुरगांव बुजुर्ग में बड़ी माता चौक पर नवरात्र उत्सव समिति सदस्यों ने माता को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी नवरात्रि उत्सव अब चरम पर है और भक्तों में उत्साह नजर आ रहा है। ग्राम बुरगांव बुजुर्ग में बड़ी माता चौक में बुधवार को आरती के बाद माता रानी को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया। यह नवरात्र उत्सव समिति सदस्यों ने आकर्षक श्रृंगार किया और बताया कि कोरोना महामारी को लेकर कोई बड़े आयोजन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आकर्षक सजावट और माता को अलग अलग भोग लगाकर माता की उपासना की जा रही है। पंधाना के अंचल में किसानों ने अरबी की फसल की बुआई का काम शुरू कर दिया है। पंधाना तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में रबी सीजन के दौरान किसानों ने अरबी फसल की बुआई का कार्य शुरू कर दिया है। किसान खेत में जुताई कर गाड़ बनवा कर अब मजदूरों के माध्यम से अरबी लगवा रही है। इस दौरान कुछ किसान गोबर खाद तो कुछ रासायनिक खाद का जमीन में पहले छिड़काव कर अरबी की बुआई कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि अगले 8 माह तक अरबी में सिंचाई व समय समय पर खाद देने के साथ मजदूरों से खरपतवार भी निकलवाया जाएगा। बुरगांव बुजुर्ग में 3,43,000 की लागत से सार्वजनिक शौचालय का निर्माण पूरा हो चुका है। जिला खंडवा तहसील पंधाना के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बुरगांव बुजुर्ग में ग्रामीण जन खुले में शौच न करें और स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ने के लिए सामुदायिक स्वच्छता परिसर का पंचायत द्वारा 3,43,000 की लागत से निर्माण किया गया है, जिसमें एक शौचालय का निर्माण पूरा हो चुका है और एक का कार्य प्रगतिशील है। सचिव रणजीत सिंह राठौर ने बताया कि जो ग्रामीण अभी तक खुले में शौच कर रहे हैं, उन्हें सार्वजनिक शौचालय उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। शासन द्वारा स्वच्छता अभियान की श्रृंखला में सभी ग्राम पंचायतों में सबका साथ सबका विकास के तहत सार्वजनिक शौचालय निर्माण कराए जा रहे हैं। सचिव महोदय, ये बताएं कि बुरगांव बुजुर्गों में सार्वजनिक शौचालय कितने स्वीकृत हुए हैं और कितने लाख की लागत से और कितने प्रगतिशील है और कितने कम्प्लीट हो चुके हैं और शासन ने किस उद्देश्य से सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाया है। ग्राम पंचायत बुरगांव बुजुर्ग में 2 शौचालय स्वीकृत किए गए हैं। प्रति शौचालय की लागत 3,47,000 रुपये है और शासन का जो उद्देश्य है कि गाँव को खुले में शौच से मुक्त किया जाना है और हर व्यक्ति को शौचालय का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन करना है और हर व्यक्ति शौचालय का उपयोग करे और शासन के जो निर्देश है उसका पालन करते हुए गांव को शौच से मुक्त करा। शनि मंदिर के पास स्थित 100 साल पुराने भैरव मंदिर में आज भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौरतलब है कि शहर में शनि मंदिर के पास स्थित भैरव मंदिर प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। लोगों की माने तो यह मंदिर लगभग 100 वर्ष पुराना है। फिलहाल यहां पर भैरव बाबा का छोटा सा मंदिर बना हुआ है, लेकिन अब कई प्रयासों के बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है, जिसे लेकर आज मंदिर में भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। भैरव मंदिर समिति के कार्यकर्ताओं ने बताया कि वह कई समय से इस मंदिर के निर्माण के लिए प्रयासरत थे, जिसके बाद आज यह मंदिर बनवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष किरण कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष मानव चंद कनाडा, पंडित कपिल शर्मा, मंगल यादव, अमर यादव, राहुल ठाकुर एवं अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे। आज हम भैरव बाबा मंदिर निर्माण के लिए बहुत दिनों से प्रयास थे। आज भैरव बाबा की इच्छा के अनुसार आज मंदिर का भूमि पूजन हुआ है और उसमें सभी भाइयों का, प्रतिनिधियों का, सबका बहुत अच्छा सहयोग रहा है और ये भव्य निर्माण मंदिर का होगा क्योंकि कम से कम 100 वर्ष पुराने ये बाल बटुक भैरवनाथ मंदिर है। ये मंदिर समिति द्वारा सब कार्य किया जा रहा है, सहयोग हर बाबा का भी सहयोग, बब्बू भैया हमारी समिति, कपिल शर्मा मोहल्लों के सारे बच्चों के सहयोग से मंदिर का कार्य हो रहा है और आज नवरात्र की छठवीं का दिन है, इस दिन भगवान का भूमि पूजन हुआ है। पुलिस ने आदतन अपराधी भूरू उर्फ इल्ली को गिरफ्तार कर शहर में जुलूस निकाला। शहर में आए दिन विभिन्न वारदातें होने और आरोपितों के गिरफ्त में नहीं आ पाने के कारण अब पुलिस ने जगह जगह
सर्चिंग और कार्रवाई अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत गुरुवार को आदतन अपराधी भूरू उर्फ इल्ली को पुलिस ने गिरफ्तार कर नगर में जुलूस निकाला। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देश पर जिले में अपराध न हो इसके लिए अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और उसी के तहत एक आदतन अपराधी का सड़क पर जुलूस निकाला गया, ताकि शहरवासियों को पता चल सके कि अपराध करने पर किस प्रकार पुलिस कार्रवाई करती है। वही अपराधी बीच सड़क पर कह रहा था कि अपराध करना पाप है, अब अपराध नहीं करूंगा। इस दौरान वह कान पकड़कर उठक बैठक भी लगा रहा था। क्षेत्रवासियों के मन से गुंडों का खौफ ना हो इस मकसद से पुलिस ने अपराधी का जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान बदमाश आगे से अपराध नहीं करने की कसम भी खाने लगा। पुलिस ने का कहना है कि आम जनता के मन में अपराधियों का खौफ नहीं रहे, इसलिए बदमाशों को वहीं से जुलूस निकाला गया जहां उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। रामेश्वर रोड पर हो रहे गड्ढे भरने का काम आज नगर निगम द्वारा करवाया गया। रामेश्वर की ओर जाने वाले मार्ग की हालत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी। इस रोड पर हो रहे बड़े बड़े गड्ढे आए दिन सड़क दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे थे, साथ ही इस सड़क से होकर गुजरने वाले लोगों को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसे लेकर आज नगर निगम एक्शन मोड में नजर आई और जिस ठेकेदार से इस रोड का निर्माण कार्य कराया गया था उसी ठेकेदार से नगर निगम द्वारा सड़क पर हो रहे गड्ढों को भरवाया गया। मां भुवनेश्वरी मंदिर में लगी चांदी की छतरी रातों रात चोर उड़ा ले गए। नवरात्रि के पावन पर्व पर खंडवा शहर में चोरों ने माता दी के मंदिर को भी नहीं छोड़ा। MLB स्कूल के सामने स्थित टेंगो कॉलोनी में मां भुवनेश्वरी मंदिर में चोरों ने करीब 55,000 के सामान पर अपना हाथ साफ कर लिया। लोगों ने बताया कि माताजी की मूर्ति के पास चांदी की छतरी लगी हुई थी, लेकिन सुबह जब देखा तो छतरी गायब थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। शहर में आगामी त्योहार ईद मिलादुन्नबी के लिए सभी मस्जिदों के इमाम एवं आवाम ने SDM कार्यालय पहुंचकर त्योहार मनाने की अनुमति के लिए ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि शहर में कोरोना संक्रमण के चलते विभिन्न कार्यक्रमों की अनुमति प्रशासन के द्वारा नहीं दी जा रही है। ऐसे में आगामी त्योहार ईद मिलादुन्नबी पर जुलूस निकालने की मांग करते हुए अनुमति के लिए आज सभी मस्जिदों के इमाम व आवाम ज्ञापन लेकर SDM कार्यालय पहुंचे। यहां सभी ने SDM से अपील की कि आगामी त्योहार पर शहर में जुलूस निकालने की अनुमति दी जाए। साथ ही सभी ने कहा कि इस दौरान प्रशासन द्वारा COVID-19 के सभी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए उनका पालन किया जाएगा एवं निश्चित दूरी बनाकर ही जुलूस में सभी लोग शामिल होंगे। हम SDM साहब के कार्यालय में आए हैं और इस विषय को लेकर के ईद मिलादुन्नबी शरीफ का जो त्यौहार है वो इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है और हम समस्त मस्जिदों के इमाम और आवाम यहाँ पर आए हैं कि हमें ईद मिलादुन्नबी का चल समोरा जो जुलूस होता है उसको निकालने की इजाज़त दी जाए। हम COVID-19 के चलते जो भी गाइडलाइन प्रशासन देगा उसके हिसाब से हम जुलूस निकालेंगे और पूर्ण रूप से सावधानी के साथ मास्क वगैरह सब उचित दूरी बनाए हुए हम ये काम को अंजाम देंगे। आपका परिचय? जी, मौलाना निज़ामुद्दीन नायब शहर आलिम। आपका परिचय? हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा, मस्जिद अक्सा का इमाम। नवरात्रि पर्व में वुमेन्स पावर ग्रुप खंडवा के द्वारा वत्सला विहार में 2 दिवसीय प्रज्ञा पुराण एवं भजन संध्या का आयोजन किया गया। नवरात्रि के अवसर पर वत्सला विहार में 2 दिवसीय प्रज्ञा पुराण का आयोजन किया गया था, जिसका समापन नवरात्रि के 5वें दिन किया गया। इस दौरान प्रज्ञा पुराण की कथा श्रीमती रश्मि नारायण सोनी के द्वारा की गई। वहीं इस 2 दिवसीय आयोजन का समापन सखी सहेली भजन मंडली के द्वारा किया गया। समापन दिवस पर महिलाओं द्वारा गायत्री यज्ञ एवं संस्कार किया गया। वहीं शाम को 108 दीपक प्रज्वलित कर भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस दौरान कथावाचक लक्ष्मी नारायण सोनी ने गायत्री पाठ करने के लाभों से सभी लोगों को अवगत कराया। वहीं समापन दिवस पर महिलाओं द्वारा भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वुमेन पावर खंडवा एवं अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिषद खंडवा से जयश्री तिवारी, कविता विश्वकर्मा, विद्या तिवारी, आशा पांडे, आशा उपाध्याय, राजकुमारी गौर, मंजू पाथरकर, विद्या मालवीय, आशा सोलंकी, रंजना जोशी, प्रियंका पटेल, प्रियंका मालवीय उपस्थित रही। आबकारी विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी कर अवैध शराब का लाखों का जखीरा बरामद किया गया। खंडवा शहर में आगामी उपचुनाव से पहले आबकारी विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा खंडवा शहर के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर
अवैध शराब का जखीरा बरामद किया गया। छापेमारी के दौरान आबकारी विभाग के द्वारा लाखों की अवैध शराब भट्टी एवं शराब बरामद की गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा जब्त हुई सभी शराब एवं सामान को नष्ट किया गया। इसके अलावा अवैध शराब के धंधे में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई भी की गई। फिलहाल आबकारी विभाग के द्वारा छोटे स्तर पर ही अवैध शराब के धंधे में संलिप्त लोगों पर कार्यवाही की जा रही है, लेकिन अब देखना यह होगा कि अधिकारी गण बड़े स्तर पर कब कार्रवाई करते हैं। खंडवा कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा। खंडवा कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक गौवंश से भरा हुआ ट्रक पकड़ा। यह ट्रक बाहर जिले से आ रहा था, जिसे महाराष्ट्र की ओर ले जाया जा रहा था। कोतवाली थाना प्रभारी बीएल मंडलोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर ट्रक को रोककर चेकिंग की गई, जिसमें उस दौरान ट्रक में भारी मात्रा में गौवंश था, जिसमें से कुछ गाय मृत भी पाई गई हैं। पुलिस द्वारा पड़ताल की जा रही है कि इतना गौवंश इसमें ले जाया जा रहा था और कहां ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार द्वारा लाखों कोशिशों के बावजूद भी गौवंश के अवैध परिवहन को नहीं रोका जा सका है। बता दें कि कमलनाथ सरकार में गौशाला खुली, लेकिन वह गौशाला खाली ही पड़ी है और इस तरह से गौवंश सड़क पर वहन कर अन्य राज्यों में बूचड़ खाने तक पहुंचाए जा रही हैं। सिंघारतलाई कुमार मोहल्ला में हर वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी काकड़ आरती का आयोजन किया गया। सिंघारतलाई कुमार मोहल्ला खंडवा में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी पंचमी के दिन माँ की काकड़ आरती की गई। यहाँ समाज के सभी युवक युवतियों और छोटे बड़े एवं वरिष्ठ जनों ने आरती में पधारकर आरती का लाभ उठाया। यहाँ की गरबा मंडल की छोटी बालिकाओं के द्वारा 9 दिन माँ के गर्भों की रंगारंग प्रस्तुति दी जाती है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर माता जी की आराधना में पूरा क्षेत्र 9 दिन डूबा रहता है। नवमी के दिन यहाँ पर माता का भव्य भंडारा किया जाता है, जिसमें हजारों की तादाद में श्रद्धालु भंडारे का प्रसादी ग्रहण करने आते हैं और माँ के 9वें दिन माँ को धूमधाम से विसर्जन करने पहुँचाया जाता है। खंडवा में गिरोह बनाकर लूट करने वाले अपराधियों की रिमांड खत्म होने पर सभी को जेल भेजा गया। गौवंश ले जा रहे पिकअप वाहन को पिपलोद थाना क्षेत्र के चारखेड़ा के ग्रामीणों की शिकायत पर खंडवा की कोतवाली पुलिस ने ड्राइवर सहित 2 लोगों को पकड़ा। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि पिकअप वाहन में गौवंश भरकर ले जाया जा रहा है। पुलिस ने वाहन पकड़कर खंडवा के कोतवाली थाने लाया गया, जहां पर ड्राइवर एवं 2 लोगों से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, सूचना मिलते ही कोतवाली सब इंस्पेक्टर सुभाष नावड़े की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर गौवंश से भरे वाहन को थाने में लाकर खड़ा किया गया। हालांकि वाहन और गौवंश से जुड़े सभी दस्तावेज ड्राइवर के पास मौजूद है। फिलहाल कोतवाली थाने में इसकी जांच की जा रही है। अवैध गौवंश परिवहन करने वालों की धरपकड़ के दौरान कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गौवंश ले जा रहे एक पिकअप वाहन को धर दबोचा। एक सप्ताह पहले खंडवा पुलिस ने गिरोह बनाकर खंडवा में चोरी व लूट की वारदात को अंजाम देने वाले ग्राम पंचायत बरखेड़ी के पूर्व सरपंच और उसके 2 साथी और एक सराफा व्यवसायी को गिरफ्तार किया था। आज रिमांड खत्म होने पर पुलिस ने 3 आरोपियों को जेल भेजा है। इसमें 2 और आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस रिमांड के दौरान 3 आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में जिले के 10 स्थानों पर चोरी करना कबूल किया है। इनके पास से पुलिस ने 14 लाख रुपए के गहने और एक कार जब्त की है। वहीं आरोपियों के साथ वारदात को अंजाम देने में जनपद सदस्य भी शामिल है, जो अभी भी फरार है। पुलिस उनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश मीडिया संघ एवं खंडवा पत्रकार संघ के द्वारा पद्म नगर पदस्थ TI एवं अन्य पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश मीडिया संघ एवं खंडवा पत्रकार संघ के द्वारा पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में गुरुवार को पद्म नगर थाना प्रभारी पुष्पेंद्र राठौर और पुलिस कर्मचारियों का सम्मान किया गया। मध्य प्रदेश मीडिया संघ के जिलाध्यक्ष श्याम शुक्ला ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री की जयंती से मध्य प्रदेश मीडिया संघ ने कोरोना योद्धाओं पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने का काम शुरू किया था। कोरोना वायरस COVID-19 के संक्रमण काल में अपनी जान को जोखिम में डालकर आम लोगों को बचाने वाले शासकीय कर्मियों ने अपनी अनथक सेवाएं प्रदान की है। सम्मान पत्र प्राप्त करने पर पद्म नगर थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने मध्य प्रदेश मीडिया संघ
एवं खंडवा पत्रकार संघ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के सम्मान से पुलिस जवानों को प्रेरणा मिलती है और उनका हौसला बढ़ता है। इस प्रकार सहयोग व प्रोत्साहन हमें मिलता रहे तो हम बेहतर से बेहतर कार्य करते रहेंगे। पहले सामाजिक दूरी बनाते हुए क्या आप अपने प्रतिष्ठान को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं? क्या आप अपने ब्रांड को नंबर 1 पर ले जाना चाहते हैं? तो आज ही हमसे जुड़ें और अपने प्रतिष्ठान को देना आया सभी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट के लिए संपर्क करें हमारे नंबर 9977930894 8319507398 पर।